Hello friends, you are welcome in PVT video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi, going to present 13th video lecture on the provisions of UP Rent Control Law. In this lecture, we will discuss on the provisions of Chapter 4A, which have been inserted through the Amendment Act 1976. The chapter comprises with three sections, section 24A, 24B and 24C. And we will discuss all the three sections of this chapter, chapter 4A, under the heading of summary trial of an application by landlord to enforce the right to recover immediate possession from tenant. ओके मित्रों, उत्तर प्रदेश किराया नियंत्रण विधि के इस 13वें व्याख्यान में हम लोग इस अधिनियम के अध्याय 4 को के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुल तीन धाराएं हैं, 24 क, 24 ख और 24 ग। और यह चर्चा हम लोग इस शीर्षक के अधीन करेंगे, मकानदार के यानी भवन स्वामी के तत्काल कब्जा प्राप्ति, किराएदार से तत्काल कब्जा प्राप्ति के अधिकार के प्रवर्तन हेतु किए गए आवेदन का संक्षिप्त विचारण, अर्थात कुछ ऐसी दशाओं का अध्याय में उल्लेख किया गया है जिनमें किसी भवन स्वामी को अपने किराएदार से अपना भवन तत्काल खाली करा लेने का अधिकार हो जाता है। और उस अधिकार, वो अधिकार कब हो जाता है, उसका उल्लेख धारा 24 ख में लिखा हुआ है, व्हेन सच राइट अराइजेस, किस अवस्था में ऐसा अधिकार उत्पन्न होता है, यहां लिखा हुआ है सेक्शन 24B क्लॉज 1। क्या ऐसे बेदखली के विरुद्ध किराएदार को कोई प्रतिकर मिलता है, नो कंपनसेशन, क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 24B, कोई प्रतिकर नहीं, एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सच राइट, इट मीन्स प्रोसीडिंग ऑफ समरी ट्रायल ऑफ द एप्लीकेशन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24C। ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए जो संक्षिप्त विचारण है उसकी प्रक्रिया धारा 24 ग में दी गई है। 24 ग में इस अध्याय को, अर्थात इस अधिनियम के अध्याय 4 को अधिनियम के अन्य प्रावधानों, रूढ़ियों, प्रथाओं आदि से ऊपर घोषित किया गया, उस पर सर्वोपरि दिया गया है उसको। इसी नाते हमने यहां कहा डिक्लेरेशन ऑफ डोमिनेंसी, सर्वोपरिता की घोषणा। सो देयर आर थ्री सेक्शंस, सेक्शन 24A इज अ डिक्लेरेशन having no connection with any of the trial proceeding or any of the ground of the right. Okay, it declares that the provisions of this chapter, means chapter 4A, or any rule made there under shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained elsewhere in this act or in any other law for the time being in force or in any contract, custom or usage to the contrary. बहुत बड़ी बात कहती है धारा 24 को कि इस अध्याय के प्रावधान, अर्थात प्रावधान में बचा क्या, 24 ख और 24 ग के जो प्रावधान हैं वो इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान अथवा किसी अन्य विधि के किसी अन्य प्रावधान अथवा पक्षकारों के मध्य की गई संविदा अथवा रूढ़ी या प्रथा में किसी बात के होते हुए भी सर्वोपरि होंगे, अर्थात अध्याय 4 के प्रावधान इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों से ऊपर हैं। अन्य विधि जो किराया संबंधी बात करती है उसके किसी प्रावधान से ऊपर हैं। पक्षकार अगर संविदा करके किराएदारी की स्थापना किए हैं तो उसमें जो शर्तें आदि विहित हैं उससे ऊपर हैं।
कोई रूढ़ी या प्रथा जो इस संव्यवहार से जुड़ी हुई है उससे ऊपर है। सो सेक्शन 24 इज डिक्लेरेटरी क्लॉज व्हिच डिक्लेयर्स द डोमिनेंसी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4A ऑफ दिस एक्ट ओवर नॉट ओनली द रेस्ट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट बट ऑन एनी अदर प्रोविजंस कंटेंड इन एनी लॉ कस्टम यूसेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके नाउ आई हैव स्पेसिफाइड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 24B एंड 24C as in clause 1 of section 24B, when such right arises, such right means right of landlord to enforce the right to recover immediate possession from tenant, immediate possession. The grounds have been mentioned in section 24B clause 1. Okay? And no compensation for such immediate recovery of possession to be given to tenant. Section 24B clause 2. While the proceedings of summary trial have been laid down in section 24 clause C. There are seven clauses. Application to DM clause 1. Summon to tenant clause 2. Service of the summon or deemed service clause 3. When tenant can contest the application, normally the tenant would have no right to oppose such an application made by landlord. But on certain specific ground, he might be allowed by the district magistrate on his application to contest the application made by the landlord under section 24B. So, when tenant can contest the application, there are three conditions must be fulfilled. Only then district magistrate shall allow the tenant to contest the application presented by landlord. Okay? So, the provisions regarding this have been laid down in clause 4 and clause 5 of section 24C. Clause C of section 24C bars appeal or second appeal against the decision of district magistrate, but it allows revision by district judge. And clause 7 provides the provision of review by the district magistrate of his own order. Okay, तो यहां पर मैंने वर्गीकरण किया है धारा 24 ख का दो वर्गों में। पहले खंड में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन आधारों पर जिन दशाओं में किसी भवन स्वामी को अपने किराएदार से तुरंत कब्जा पाने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दूसरे खंड में कहा गया है धारा 24 ख के कि ऐसे किराएदार को कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा, उसे प्रतिकर पाने का हक नहीं होगा। ठीक है, और धारा 24 ग प्रक्रिया की बात करती है जिसमें खंड एक में लिखा गया, यहां सात खंड है 24 ग में, खंड एक में कहा गया है कि ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए भवन स्वामी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा। ऐसे आवेदन पर खंड दो में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समन करेगा, इसको किराएदार को समन की तामीली कैसे कराई जाएगी और कब उसकी तामीली पर्याप्त मान ली जाएगी, इस संदर्भ में खंड तीन में व्यवस्था है। सामान्य नियम के अनुसार किराएदार ऐसे आवेदन का पर आक्षेप नहीं कर सकेगा, वो विरोध नहीं कर सकेगा, लेकिन तीन विशेष दशाओं के विशेष शर्तों के पूरा होने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे इस बात की अनुमति देगा कि वह उसका विरोध कर सके। उन दशाओं का उल्लेख और ऐसी अनुमति दिए जाने की व्यवस्था धारा 24 ग के खंड 4 और 5 में मिलाकर की गई है, इस नाते मैंने 4 और 5 को एक वर्ग में रखा है। ऐसे संक्षिप्त विचारण के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, यह खंड 6 में कहा गया, उसी में कहा गया है कि परंतु इसकी निगरानी यानी पुनरीक्षण जिला न्यायालय जिला जज कर सकता है, जनपद न्यायाधीश महोदय कर सकते हैं। और उपखंड 7 में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
चाहे तो अपने निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है। अब हम चलते हैं फिर से यहां से समझते हैं कब ऐसे अधिकार उत्पन्न होते हैं। इसके लिए तीन शर्तें यहां लिखी गई हैं। जबकि किसी कोई भवन स्वामी किसी आवासीय लोक इमारत में, सार्वजनिक इमारत में, सार्वजनिक भवन में, कैसी है वो, आवासीय है, अध्यासी हो यानी उसमें वो भी रह रहा हो, किसी सार्वजनिक आवासीय भवन में अध्यासी हो उसमें रहता हो, कौन, भवन स्वामी, कौन भवन स्वामी, ये किस इमारत में, सार्वजनिक इमारत में रह रहा है और दूसरे भवन की बात हो रही जो किराए पर उसने उठा रखा है, ठीक, उसे आदेश दिया जाता है किसके द्वारा, सरकार द्वारा या किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा कि वह उस सार्वजनिक भवन को खाली कर दे और वह स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य उस शहर, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपैलिटी, जहां भी वो सार्वजनिक भवन में रह रहा है उसी इलाके में अपना कोई मकान रहता रखता हो जिसे किराए पर उठाया हुआ हो। फिर से देखिए, जबकि भवन स्वामी किसी सार्वजनिक भवन का अध्यासी हो, ऐसे सार्वजनिक भवन को खाली करने का आदेश राज्य सरकार द्वारा या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा चुका हो और ऐसा व्यक्ति स्वयं उसी टाउन एरिया, उसी शहर, उसी म्युनिसिपैलिटी में घर रखता हो, मकान रखता हो अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य वहां घर मकान रखता हो, लेकिन ऐसा घर और मकान किराए पर उठा हुआ हो, तो ऐसे में यह भवन स्वामी जिसको सार्वजनिक भवन से बेदखली का आदेश दिया गया है अपने भवन से को किराएदार से खाली कराने के लिए से तत्काल कब्जा पाने का हकदार होगा, ठीक है, और ऐसे हक के प्रयोग के लिए वो धारा 24 ग के खंड 1 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्क्राइब इन इंग्लिश, फिल सच राइट अराइजेस, राइट मींस व्हाट, सच मींस राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू इनफोर्स द राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन फ्रॉम टेनेंट, ओके। सो व्हेनेवर अ पर्सन इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी रेजिडेंशियल पब्लिक बिल्डिंग, अ पर्सन मींस लैंडलॉर्ड, a person is in occupation of any residential public building and he is required to vacate the building through an order passed by the state government or any appropriate authority, okay, or authority concerned, okay, to vacate such building, and the person either himself or any member of his family owns any building in the same city, municipality, town area, notified area, etc. And the building is in the possession of a tenant, then such person would have right to recover immediate possession from the tenant. Okay? So actually the right given to the landlord to make him able to vacate the public building, okay, and then such person will have to present an application to enforce the right to recover immediate possession from tenant before district magistrate in clause 1 of section 24C, okay, and then what would be, so we have discussed it and we will discuss at last this, then what would be, तब क्या होगा, हम लोग इसकी चर्चा कर ली है, इस पर करते हैं और इसकी चर्चा से बाद में करेंगे। Then, every application by a landlord for the recovery of possession of any building or on the ground specified in section 24B shall be made to the district magistrate and be dealt with in accordance with the procedures specified in this section. तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको धारा 24 ख के खंड 1 में अपने किराएदार से तत्काल कब्जा पाने का अधिकार है, वह ऐसे अधिकार के प्रवर्तन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा जो जिसका निस्तारण
इस धारा में आगे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। तो आगे प्रक्रिया क्या है? क्लॉज टू, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इश्यू समन्स इन रिलेशन टू एवरी एप्लीकेशन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। और तब जिला मजिस्ट्रेट ऐसे किराएदार को जिसके विरुद्ध यह आवेदन दिया गया है नियत प्रारूप में समन निर्गत करेगा। ओके, क्लॉज थ्री, सर्विस ऑफ द समन एंड प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन। ओके, क्लॉज थ्री ए, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इश्यू ऑफ समन्स फॉर सर्विस ऑन द टेनेंट ऑल्सो डायरेक्ट, हियर यू हैव टू अंडरलाइन द मजिस्ट्रेट शैल, इट मीन्स दिस इज मैंडेटरी प्रोविजन। ओके, एडिशनल सर्विस इज मैंडेटरी हियर। आप यहां यह ध्यान दीजिएगा कि समन की अतिरिक्त तामिली यहां अनिवार्य है, आज्ञापक है कि एक बार तो सामान्य प्रक्रिया से समन जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा एक अतिरिक्त प्रक्रिया से भी जिला मजिस्ट्रेट समन भेजने को बाध्य है। सो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इश्यू ऑफ समन्स फॉर सर्विस ऑन द टेनेंट ऑल्सो डायरेक्ट द समन्स टू बी सर्व्ड बाई रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू एड्रेस्ड टू द टेनेंट आर हिज एजेंट इम्पावर टू एक्सेप्ट द सर्विस एट द प्लेस वेयर द टेनेंट आर हिज एजेंट एक्चुअली एंड वॉलंटरली रिजाइड्स आर कैरीज ऑन बिजनेस आर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एंड मे इफ द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस रिक्वायर ऑल्सो डायरेक्ट द पब्लिकेशन of the summons in a newspaper circulating in the locality in which the tenant is last known to have resided or carried on business or personally worked for gain. So there are two mode of service mandatory to be applied. First, normal method of service, and second, service of summon through registered post. And the third mode of service of summon is up to the discretion of district magistrate. That is publication the summon through in the newspaper circulating in the local area. तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां दो प्रकार से समन की तामीली कराई जानी आवश्यक है, अनिवार्य है। एक जो सामान्य प्रक्रिया होती है समन जारी करने की, और दूसरा रजिस्टर्ड डाक से भेजने की। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट चाहे तो उस इलाके में प्रचलित समाचार पत्र में ऐसे समन को प्रकाशित करवा सकता है। क्लॉज बी ऑफ क्लॉज थ्री सेक्शन 24, क्लॉज सेक्शन 24 सी, क्लॉज थ्री सब क्लॉज बी। ओके, व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट पपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द टेनेंट और हिज एजेंट इज रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द रजिस्टर्ड आर्टिकल कंटेनिंग द समन्स इज रिसीव्ड बैक विद द एन एंडोर्समेंट पपोर्टिंग टू हैव बीन मेड बाय ए पोस्टल एम्प्लॉई to the effect that the tenant or his agent had refused to take delivery of the registered article, the district magistrate may declare that there has been a valid service of summon. Okay? So, service कब मानी जाएगी? कि जबकि जो acknowledgement भेजा गया था, प्राप्ति जो भेजी गई थी, या जब सामान्य प्रक्रिया से समन जाता तो दो कॉपी जाती है, एक उसको दी जाती है, दूसरे पर हस्ताक्षर लिया जाता है। तो वो न्यायालय में आ गया, मजिस्ट्रेट के सामने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो आ गया, तो मान लिया जाएगा कि समन की तामिली हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है बल्कि डाक कर्मचारी के द्वारा यह लिखकर समन को लौटाया जाता है कि किराएदार अथवा उसके अभिकर्ता ने समन लेने से मना कर दिया है, तब भी जिला मजिस्ट्रेट चाहे तो यह घोषणा कर सकता है कि समन की तामील हो गई। ओके, नाउ क्लॉज 4 एंड 5, राइट ऑफ टेनेंट टू कॉन्टेस्ट द एप्लीकेशन इज वेरी लिमिटेड। भवन स्वामी द्वारा किए गए आवेदन का विरोध करना, उस पर आक्षेप करना, करने का अधिकार किसका? किराएदार का। बहुत सीमित है, यहां बहुत तंग है, छोटा सा है। द टेनेंट ऑन हुम द समन्स इज ड्यूली सर्व्ड शैल नॉट कॉन्टेस्ट अंडरलाइन इट the prayer for eviction from the premises, normally he would have no right to contest the application which is made against him to vacate the building under his tenancy. Okay,
सामान्य नियम के मुताबिक जिस किरायेदार के विरुद्ध इस प्रकार के बेदखली का आवेदन किया गया है उसे ऐसे आवेदन पर आक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कब है आगे पढ़ते हैं, when such right is, when he may contest, unless he files an affidavit stating the grounds on which he seeks to contest the application for eviction and obtains leave from the district magistrate as herein after provided, it has been provided in clause 5. तो वह कब विरोध कर पाएगा, जबकि वह एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे। ओके क्या करे, एक शपथ पत्र प्रस्तुत करे कि वह विरोध करना चाहता है और उस शपथ पत्र पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अनुमति ले ले। ओके अंडर क्लास 5, एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल गिव टू द टेनेंट लीव टू कॉन्टेस्ट द एप्लीकेशन इफ द एफिडेविट filed by the tenant discloses such facts as would disentitle the landlord from obtaining an order for the recovery of possession of the premises on the ground specified in section 24 clause b, any of the ground. So he shall be allowed to contest the application made by the landlord if he discloses through the affidavit made to the district magistrate that there is missing of any of the grounds which are essential to constitute the right of landlord under clause 1 of section 24b. Then he shall have right to contest the application made by the landlord. Okay, then the district magistrate shall give him leave to contest the application made by the landlord. Okay, तो पहली बात, सामान्य नियम के मुताबिक किराएदार को इस प्रकार से किए गए मकान स्वामी के द्वारा आवेदन के विरुद्ध प्रतिवाद का अधिकार नहीं है। वह प्रतिवाद कब कर सकेगा, जबकि उसको जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त हो, और ऐसी अनुमति कब प्राप्त होगी, जबकि वह शपथ पत्र के साथ एक आवेदन करे और उसमें निवेदन करे कि वह भवन स्वामी के द्वारा किए गए आवेदन का प्रतिवाद करना चाहता है, उस पर आक्षेप करना चाहता है, और उसके द्वारा किया गया आक्षेप ऐसी बातों से जुड़ा हुआ है जो कि भवन स्वामी के इस अधिकार को गठित करने वाले किसी तथ्य को नकार देते हैं, अर्थात जिसके साबित हो जाने पर या जिसके सुन लिए जाने पर यह पाया जा सकता है कि भवन स्वामी को ऐसा आवेदन का अधिकार धारा 24 ख के खंड 1 में है ही नहीं। ओके नाउ क्लॉज 6, वेयर लीव इज ग्रांटेड टू द टेनेंट टू कॉन्टेस्ट द एप्लीकेशन, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल कमेंस द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन एज अर्ली एज प्रैक्टिकेबल। और जहां इस प्रकार से अनुमति दे दी जाती है, वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों पक्षकारों को सुनेगा। और देर आर 8 क्लॉजेज, नॉट 7 क्लॉजेज बट 8 क्लॉजेज। ओके It is provided in clause 6 and clause 7. No appeal or second appeal shall lie against an order for the recovery of possession of any premises made by the district magistrate in accordance with the procedure specified in this section. No appeal, clause 7, no appeal. Provided that the district judge, for the purpose of satisfying himself that an order made by the district magistrate under this section is according to law, call for the records of the case and pass such order in respect thereto as he thinks fit. It means no appeal is allowed, but revision is allowed. Okay? And in clause 8, review,
where no application has been made to the district judge on revision, the district magistrate may exercise the powers of review in accordance with the provisions of order 47 of CPC. तो पहली बात तो ये है कि मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि इसमें सात नहीं बल्कि आठ खंड है. आवेदन पर आक्षेप करने की अनुमति जब दे दी जाती है तब तब जिला मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को दिन प्रतिदिन अथवा यथाशीघ्र सुनवाई करेगा और हमेशा सुनते हुए जल्दी जल्दी सुनते हुए मामले का अंत करेगा. उसके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी. खंड सात में मना किया गया है, लेकिन जनपद न्यायाधीश के चाहे तो मामले का अभिलेख मंगा करके इस बात का निरीक्षण कर सकते हैं कि की गई प्रक्रिया और दिया गया आदेश कानून के अनुसार है कि नहीं. अगर इस प्रकार से कोई पुनरीक्षण नहीं हो रहा है या उसका आवेदन नहीं किया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के अनुसार अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन भी कर सकेंगे. ओके, नाउ this is no compensation to tenant. It has been provided in clause 2 of section 24a(b) where the landlord exercises the right of recovery conferred on him by subsection 1, no compensation. Section 1, no compensation shall be payable by him to the tenant or any person claiming through or under him, and no claim for such compensation shall be entertained by any court, tribunal or other authority. पहली बात तो कही गई है कि जब धारा 24 के खंड 1 के अनुसार कोई मकान स्वामी अपने अधिकारों के का प्रवर्तन करा रहा है, उसके अनुसार मकान खाली कराया जा रहा है, तो ऐसे किराएदार को किसी भी तरह से कोई मुआवजा दे नहीं है और इसके लिए वह किसी भी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने का हकदार नहीं है. लेकिन फिर भी वो कुछ चीजें पा सकता है. क्या पा सकता है? प्रोवाइडेड दैट वेयर द लैंड लॉर्ड हैड रिसीव्ड एनी रेंट इन एडवांस फ्रॉम द टेनेंट, ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ पजेशन ऑफ द बिल्डिंग बाई हिम रिफंड टू द टेनेंट सच अमाउंट एज represents the rent payable for the unexpired portion of the contract agreement or lease. लेकिन अगर वह किराएदार से कोई अग्रिम किराया ले रखा है, एडवांस किराया ले रखा है, तो कब्जा पाने के 90 दिन के भीतर उसे वह पैसा चुका देना होगा. Any other payment for from the tenant, he shall within the period aforesaid refund to the tenant a sum which shall be of the same proportion to the total amount so received as the unexpired portion of the contract or agreement or lease bears to the total period of contract or agreement or lease. और अगर वो कोई अन्य भुगतान ले रखा है, प्रीमियम वगैरह लिया, पगड़ी लिया है, तो ऐसे में उसका भी जितने समय के लिए एग्रीमेंट था, किरायेदारी थी, जितना दिन तक किराए पर रहा और जितना बाकी रह गया, आनुपातिक तौर से जो बचा हुआ रकम है वो वापस कर देगा. कितने दिन के भीतर? 90 दिन के भीतर. And if he doesn't return the amount, then if any default is made in making any refund as aforesaid, the landlord shall be liable to pay simple interest at the rate of 12% per annum on the amount which he has omitted or failed to refund. तो उसको 12% वार्षिक ब्याज की दर से वह धन देना पड़ेगा वापस. Okay? Another point, if the person, the landlord, owns more than one building, he himself or his family members, then he would have such right against in context to only one building in the area. Okay? अगर उसके पास उस इलाके में एक से अधिक घर है तो इस अधिनियम के अधीन, इस धारा के अधीन जो उसका अधिकार है वो केवल एक ही किसी मकान पर लागू है. And it is up to his choice to enforce his right against tenant of which one building. ये उसके ही ऊपर है कि वह अपने इस अधिकार का प्रवर्तन किस एक बिल्डिंग के किराएदार के विरुद्ध करेगा, अर्थात कौन सा भवन खाली कराएगा. लेकिन उसका यह अधिकार केवल एक ही मकान के संदर्भ में प्राप्त होगा. ओके,
So we have discussed this special provision which have been inserted in the Act through the UP Act number 28, 1976 and which came in force on 5th July 1976. हमने इस अधिनियम के व्याख्यानों में अध्याय 4 को पढ़ लिया जो 1976 के अधिनियम संख्यांक 28 के माध्यम से जोड़ा गया था और जो 5 जुलाई 1976 से प्रभाव में आया था. So enjoy the lecture. Bye.